तो हेलो यार दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं कुछ इस तरीके की अपनी प्रैक्टिस की बॉल, जिससे हम आसानी से क्रिकेट के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ अपनी स्माइली बॉल का, जो स्माइली बॉल होती है हमारी। आप चाहे तो अपनी क्रिकेट की बॉल या रैदर की बॉल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास वो बॉल नहीं थी, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसे मैंने एक प्लास्टिक के बैग के अंदर डाल लिया, पॉलिथीन के अंदर। तुम भी आराम से डाल देना। डालने के बाद मैं एक सॉक्स ले लूंगा, या सॉक्स के अलावा तुम एक जो अपने हैंड्स ग्लव्स होते हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं सॉक्स की जुराब के अंदर इस बॉल को डाल लूंगा, लेकिन डालना कैसे है बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि इंपॉर्टेंट स्टेप है। और लास्ट वाला स्टेप इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसे मिस मत कर देना। पहले इसको डाल लेना और फिर इसे नीचे लास्ट तक डाल लेना। तो मैंने नीचे तक डाल दिया। अब हम इसी जुराब से अंदर का जुराब बाहर निकालेंगे। देखिए मैं बता देता हूँ किस तरीके से, जुराब के मुँह से कुछ इस तरीके से आपको वीडियो में ताकि अच्छी तरीके से समझ में आए, इसलिए मैं बताते भी रह रहा हूँ। इस तरीके से निकाल लेंगे। अब इसे हमें 2-3 बार करना है, जब तक हमारा जुराब पूरी तरीके से कवर ना हो जाए। तो मैं स्पीड बढ़ा के फटाफट से 2-3 बार इसे कर लेता हूँ, ताकि आप बोर ना हो जाओ। तो मैंने इसे फटाफट से 2-3 बार कर लिया और ये लास्ट बार में कुछ इस तरीके का हो गया था। जब आपका बॉल का जो ये जुराब है आपका पूरा कवर हो जाए, आपकी बॉल अच्छी तरीके से जुराब से, तभी आप हो जाएगा आपका। इतना करने के बाद अब हमें एक धागा ले लेना है, आप कोई सा भी धागा ले सकते हैं। इसे हम बॉल के ऊपर 2-3 बार ऐसे लपेट के बांध देंगे अच्छी तरीके से। गांठ मैं बांध देता हूँ फटाफट से। इसमें गांठ बांधने वक्त एक बात का ध्यान रखिएगा कि गांठ थोड़ी टाइट बांधिएगा, वरना जब आप क्रिकेट बॉल की प्रैक्टिस करेंगे, मतलब खेलने की प्रैक्टिस करेंगे, तब वो खुल सकती है। अब हम एक बड़ा धागा ले लेंगे थोड़ा, और इसे हरी धागे के नीचे से निकाल लेंगे, नीचे की तरफ से। ये हमने इसलिए करा है ताकि हम खेले तो हमारी क्रिकेट बॉल खुल ना जाए, मतलब उसकी गांठ खुल ना जाए, धागा खुल ना जाए। इसलिए हमने क्रिकेट बॉल को कुछ इस तरीके से बांधा, जिससे बॉल और स्ट्रांग हो जाएगी। और फिर इस धागे को भी एक बार इस तरीके से लपेट लेंगे और गांठ को बांध लेंगे, और बस ये बनके रेडी हो चुका है, जो कुछ इस तरीके से खेल रहा है। तो अभी वीडियो छोड़ के मत जाओ, क्योंकि अभी हम इसको चेक करने वाले भी हैं किस तरीके से वर्क करता है, तो वीडियो में बने रहो। तो मैंने इसको लगा दिया धागे से अच्छी तरीके से अपनी हाइट देखते हुए, और फिर खेलने लगा मैं। तो इसको खेलने में तो काफ़ी मज़ा आ रहा था, और ये मेरे पास वापस भी काफ़ी अच्छे से आ रही थी। पहले तो मैं स्लो स्लो खेल रहा था, फिर मेरे को अच्छा लगा तो मैं थोड़ी देर तेज़ भी खेलने लग गया। और इसे खेलने में बिल्कुल नहीं लग रहा था कि मैं घर में इसे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, एकदम मैं फील्ड की तरह एकदम मज़ा आ रहा था, तो मैं थोड़ी देर खेलने लगा। तो मैं तो चला इसको खेलने। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और तुम ये दोनों वीडियो जो आपको दिख रही हैं, या ये दोनों वीडियो भी देख सकते हो, जिसमें मैंने क्रिकेट की बैट बॉल और भी चीज़ बनाई है। तब तक के लिए बाय।